बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम वायरलेस नेटवर्क स्टैंडर्ड वाईफाई 802.11 को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का मुखफ्फ है। IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने वाईफाई स्टैंडर्ड डेवलप किया है और ये स्टैंडर्ड हवा के जरिए डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के तरीकेकार को वाजे करता है। वाईफाई दरमियानी रेंज के वायरलेस नेटवर्क्स में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला नेटवर्किंग स्टैंडर्ड है। वाईफाई को मीडियम रेंज के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी मदद से आमतौर पर इनडोर 100 से 300 फीट जबकि आउटडोर 300 से 900 फीट तक डाटा ट्रांसफर किया जाता है। 802.11 दरअसल IEEE की तरफ से डेवलप करदा वायरलेस नेटवर्किंग स्टैंडर्ड की एक पूरी फैमिली है, जिसमें 802.11a, 802.11b, 802.11g, n, ac, ad और af के स्टैंडर्ड शामिल हैं। ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स 11 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 7 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सी डिवाइसेस एक से ज्यादा स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने की सलाहियत रखती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंप्यूटर या दूसरी डिवाइस पर 802.11ac/g/b/n मेंशन है तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस या कंप्यूटर इन चारों स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है। वाईफाई की स्पीड और रेंज इस्तेमाल किए गए स्टैंडर्ड पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वाईफाई की रफ्तार और रेंज दोनों पर ही मनफी असर पड़ता है। आजकल ज्यादातर पोर्टेबल कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स में वाईफाई की सपोर्ट दस्तयाब है। वाईफाई नेटवर्क की रफ्तार और एरिया कवरेज बहुत सी बातों पर मुनसिर है, जैसा कि कौन सा वाईफाई स्टैंडर्ड और हार्डवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सेस पॉइंट और कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान कितनी वॉल्स, ट्रीज या बिल्डिंग्स हाइल हैं, कॉर्डलेस फोन्स, बेबी मॉनिटर्स और माइक्रोवेव ओवन की वजह से कितनी इंटरफेरेंस पैदा हो रही है, क्योंकि ये सब डिवाइसेस भी अमूमन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती हैं और अमूमन वाईफाई की फ्रीक्वेंसी भी यही होती है। जब आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये वाईफाई नेटवर्क की ही एक मिसाल है। घरों और छोटे कारोबारी इदारों में वाईफाई की मदद से कंप्यूटर को वायरलेसली कनेक्ट भी किया जाता है।